अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मटर पुलाव की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे 1 किलो चावल, 1 किलो मटर, 2 अदद टमाटर, 12 अदद हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 बड़े साइज़ का आलू, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/4 टेबल स्पून नमक, 1 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट एंड 1 टेबल स्पून गरम मसाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइस को अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। सबसे पहले मैं पतीले में कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, 4 बड़े चम्मच। इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम ऑन कर दी है। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्च, नमक, टमाटर, हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम मटर ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके नीचे लो फ्लेम करके कवर करके इसे पकने के लिए रख देंगे। मसाला तकरीबन बन के तैयार है। इसे मैंने 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दिया था। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। चार प्याली चावल थी, इसके अंदर मैंने 7 प्याली पानी ऐड की है। अब हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें इसके अंदर नमक कम लगा तो हम इसके अंदर और नमक यूज़ कर लेंगे। नमक टेस्ट करने के बाद इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। अब इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम को कर दिया, पहले लो फ्लेम थी, और पानी पकने के लिए इसको कवर करके रख देंगे। पाँच मिनट में पानी बॉयल होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी। राइस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पे। चावल का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, ये दम पे रखने के लिए तैयार है। अब मैं इसके नीचे लो फ्लेम करके इसे तवे के ऊपर रख दूंगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। पच्चीस मिनट का मैंने इसे दम लगाया था। राइस बन के तैयार है। इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखें, और अब मैं इसे अलग से सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। मटर पुलाव की रेसिपी बनके तैयार है। आप मेरी वीडियो को ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।